गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं ऋषिराज यादव टीम सीएलसी सीएलसी के की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूँ एज यू ऑलरेडी नो सीएलसी इज़ नॉन फॉर इम्प्लीमेंटिंग क्रिएटिव आइडियाज डे बाय डे चाहे वो गुरुनीति का आइडिया हो चाहे वो लाइव सीरीज का आइडिया हो डिफरेंट जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो जनरेट किए जाते हैं वो सीएलसी के द्वारा किए जाते हैं। इन क्रिएटिव आइडियाज की एक सीरीज में और एक न्यू आइडिया हम लेकर आए हैं जिसे क्रैस कोर्स का नेम दे रहे हैं। और इसमें हम कंप्लीट एनसीआरटी बेस कंप्लीट एनसीआरटी बेस एग्जाम्पल्स के बेसिस पर पूरी एनसीआरटी का क्विक रिवीजन करेंगे जिसमें सबसे पहला चैप्टर यदि जूलॉजी की मैं बात करूं तो उसमें मैं ले रहा हूं एनिमल डायोस्टिक एनिमल किंगडम जनरली आप सभी ने सुना है कि इस टॉपिक को यूजली बोलते इट्स बोरिंग इन बायोलॉजी नथिंग इज बोरिंग एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इन बायोलॉजी और एनिमल किंगडम यदि बोरिंग होगा तो फिजियोलॉजी में आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स को कैसे परफॉर्म करेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल के बेसिस पर डिफरेंट मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म करेंगे ये एक बहुत बड़ा इश्यू फेस करना पड़ेगा इसलिए सबसे पहले मैं एनिमल किंगडम की शुरुआत करूंगा आज जिसमें हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से लेकर पॉरीफेरा पॉरीफेरा से लेकर एनेलिडा तक के जो फाइलम्स है उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए बेटा शुरुआत करते हैं जैसा मैंने कहा एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग इन बायोलॉजी तो आप सभी मन लगाकर बैठे और इंटरेस्ट क्रिएट करें जितना ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे उतना ज्यादा माइंड ओपन होगा और जितना ज्यादा माइंड ओपन होगा उतना ही चीजें दिमाग में इजी वैसे जाएंगी जैसे ही मैं एनेलिडा तक पहुंचूंगा फिर एनेलिडा के बाद में चीजों को समराइज करूंगा तो उसके बाद आप इसी से रिलेटेड गुरु नीति की वीडियोस देखें जिससे आपको से लेकर एनेलिडा तक का एक क्विक रिकैप और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे कि हमें पेपर को कैसे सॉल्व करना चाहिए पेपर में आए हुए ऑप्शन को कैसे रीड करना चाहिए एग्जाम में सेलेक्ट होने वाला बच्चा कुछ डिफरेंट तरीके से सोचता है और हम डिफरेंट तरीके से इस मेटेरियल को आपके सामने लेकर आए लेट्स स्टार्ट एनिमल किंगडम की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी सबसे पहले दिमाग में यह आना चाहिए

स्पेसिफिक स्पीशीज को हम इजी वे से रिकॉग्नाइज कर सके उसकी पोजिशन को रिकॉग्नाइज कर सके उसके जनरल फीचर्स को क्लासिफाई कर सके लेट्स स्टार्ट व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फॉर्म As over a millions of species of animal have been described till now, the need for classification become all the more important. किसी भी चीज़ को यदि हम classify नहीं करेंगे, तो हमें उसकी position के बारे में पता नहीं लग पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ, classification becomes all the more important. वाई इट इज रिक्वायर्ड द क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज कोई भी एक न्यू स्पीसीज आई उसका सिस्टमेटिक पोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देर इज ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन द एनिमल किंगडम एनिमल कैन डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर किंगडम एक एनिमल को दूसरे एनिमल से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके लिए बहुत सारे फीचर्स का रिकॉग्निशन होना जरूरी है फीचर ऑफ एनिमल किंगडम यहां पर जितने भी एनिमल्स की मैं बात करूंगा उनमें ऑल द एनिमल्स आर मल्टी सेलर फर्स्ट फीचर इज दे आर मल्टी सेलर मल्टी सेलर मीन्स अप ऑफ मोर देन वन सेल और यदि मैं बात करूं सिंगल सेल एनिमल यूनिसेलर और एसेलर इट मीन्स प्रोटोजोआ इट मीन्स यहां पर हम मल्टी सेलर की बात करेंगे आई कैन से फ्रॉम पोरिफेरा टू कोडेटा animals are heterotrophic what does it mean by if i give example of plants they perform a specific mechanism known as photosynthesis through photosynthesis mechanism they prepare food but we are directly depend on the plants for the nutrition or for the food material it means plants are autotroph but we are heterotroph animals typically reproduce sexually i said typically it means animal have different mode of reproduction it can be sexual or it can be asexual but टिपिकली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जब परफॉर्म होगा तो डिफरेंट टाइप की वेरिएशन डेवलप होंगी डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी डेवलप होगी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिपोडक्शन में आइडेंटिकल क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है एनिमल्स आर मेडअप ऑफ सेल्स दैट डू नॉट सेल व मेडअप ऑफ सेल्स मीन्स मल्टी सेलर एनिमल है डू नॉट हैव सेल वॉल सेल वॉल प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है एनिमल्स के अंदर नहीं एनिमल सो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वट डज इट मीन बाई द मूवमेंट एंड लोकोमोशन आईज के अंदर मूवमेंट पॉसिबल है फॉरलिम में मूवमेंट पॉसिबल है इट मींस एनी बॉडी पार्ट चेंज इन शेप और डायरेक्शन इज ए टाइप ऑफ मूवमेंट बट कंप्लीट बॉडी चेंजेज इट्स पोजिशन इज नॉन एज लोकोमोशन, मींस मीन्स आई कैन से All the locomotions are moments, but all movements are not the locomotion. Clear? Animals are able to respond quickly to external stimulus. Yeah, external stimuli. It means a specific feature present in the animals is known as. कॉन्सियसनेस कोई भी एनिमल को टच की फॉर्म में स्टिमुलस देगा तो एनिमल उसका रेस्पॉन्ड करेगा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन there are so many basis of classification can be there first is level of organization it means there are so many animals there are so many multicellular animal but they do not have the same level of organization first basis is level of organization second all the multicellular animal do not have the same symmetry it means second basis of classification is symmetry third number of germinal layer it means animal have different number of germinal layers it can be 2 or it can be 3 Next, very important feature is silom or body cavity. A cavity which is found in between body surface and gut is known as silom. Segmentation it means body is externally or internally divided into repeated segments. Known as segmentation and notochord. This is a mesoderm derived rod like structure which is present in some animals on the dorsal side of the body. So, there are some basis of classifications listed here levels of organization symmetry number of germinal layer silom segmentation and notochord clear basis of classification first level of organization i can say multicellular animal they do not have the same level of organization In some animals, cells are formed in a loose aggregate form. These are cells, and cells are formed in loose aggregate. clear if these cells are for in the form of loose aggregate it means i can say the cell aggregate body plan it means which represent the cell aggregate body plan but these cells perform different function it means division of labor found in the cellular grade of level of organization i can say division of labor division of labor means different cells performing different function for example i can say trophocyte related to food spongioblast related to spongin fiber formation scleroblast related to form different spicules it means the cellular grade level of organization represent the loose aggregation of the cells it means cells are found in the form of cell aggregate body plan and the different cells perform division of labor mechanism and cellular grade level of organization found in porifera Next one is tissue grid. Tissue grade is more complex than cellular. It means tissue is more complex than cellular, and organ level is more complex than tissue, and organ system is more complex than the organ. This is the complexity order. Here, cells are arranged in loose aggregate form, but in the टिश्यू ग्रेड सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म टिश्यू आई कैन से यहां पर डिफरेंट सेल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनमें से थ्री सेल ने सिमिलर फंक्शन फॉर्म किया और यहां पर थ्री सेल ने सिमिलर तो इन्होंने एक टिश्यू फॉर्मेशन कर लिया इन्होंने भी एक टिश्यू फॉर्मेशन कर लिया इट मींस द टिश्यू ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन सिलेंट्रेटा and tno4 group of tissue together form the organ group of tissue together form organ and these organ are specific for a particular function yeah. and group of organ from more complex system known as organ system, and this organ system is specific for physiological. फंक्शन क्लियर फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सेल्युलर ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन परिफेरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन टीनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा ऑर्गन लेवल ग्रेड फाउंड इन प्लेटी हेलमेंथीज एंड ऑर्गन सिस्टम एस के हेलमेंथीज टू कोडेटा क्लियर है बेटा नेक्स्ट पॉइंट

Then esophagus, then a stomach, a small intestine, large intestine. A group of organ kya formation, organ system, and that organ system known as digestive system. And digestive system performing a specific physiological condition or a specific physiological function is digestion. Clear. On the basis of digestive system, digestive system further classified into two category one is incomplete another one is complete incomplete and complete means complete means there are two openings one is mouth another one is anus and incomplete means there is only single opening for food intake and exit in the case of incomplete digestive system single opening performing food intake and food outlet but in the case of complete digestive system the mouth is for Food intake and NS 4 food exit. From Porifera to Codita, if I say incomplete digestive system found in, I can say Porifera, Cylindrata, Tinophora. platyhelminthes and from aschelminthes onwards aschelminthes onwards aschelminthes to chordata all the animals have complete digestive system क्लियर फ्रॉम एसके हेलमेन्थीज टू कोडेटा द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम फर्दर क्लासिफाइड इन टू टू डिफरेंट कैटेगरी वन इज प्रोटोइमिक एनिमल अनदर वन इज ड्यूटेरो इस्टोमिक एनिमल प्रोटोइमिक मीन्स माउथ first and then anus formation deuterostomic means anus and then mouth means from the blastopore if mouth form first then the protostomick animal and if the anus form first then the deuterostomic condition hemichordata डेटा आर द ड्यूटेरोस्टोमिक एंड आई कैन से हेयर एनेलिडा आर्थोपोडा एंड मोलस्का आम दीज आर द प्रोटोस्टोमिक एनिमल क्लियर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम द डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर भी हमने कंप्लीट और इनकम्प्लीट में डिवाइड किया तो हम सर्कुलेटरी के बेसिस पर भी हमने दो फर्दर क्लासिफिकेशन किए वन इज ओपन टाइप अनदर वन इज क्लोज टाइप वट मीन बाई द ओपन टाइप हेयर हार्ट इज पंपिंग द ब्लड एंड देर इज ए ओपन स्पेस हेयर in the open space cells and tissue directly bath in the open space but in the closed circulatory system if heart is pumping the blood then it flow in the different diameter of the vessels it means there is a proper network of vessels i can say proper network of vessels varying in diameters varying in diameter means for example aorta then artery then आर्टेरियोल देन कैपिलरी डिफरेंट डायमीटर की क्लोज वेसल्स या प्रॉपर नेटवर्क ऑफ वेसल्स का सिस्टम यहाँ पर प्रजेंट है इसलिए हमने नेम दिया क्लोज सर्कुलेट्री सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पर प्रजेंट है यहाँ पर एक एनेलिडा का एक मेंबर आपको दिखाई दे रहा है इट मीन्स क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम फाउंड इन एनलीड्स कोडेटा एंड सिफेलोपोड मोलस्क सिफेलोपोड मोलस्क यह मोलस्क है और कोडेटा में भी एक्सेप्ट यूरोडेटा सिफेलो कोडेटा एंड वर्टिव डेटा दोनों में क्लोज सर्कुलेशन है ओपन तो कहां कहां प्रेजेंट होगा फॉर एग्जाम्पल यूरोकोडेटा रेस्ट ऑफ द मोलस्क आर्थ्रोपोडा क्लियर नेक्स्ट पॉइंट Second basis of classification is symmetry. All the multicellular animals do not have the same symmetry. If I draw a imaginary plane here, this one passing through the central axis, this one and this one, this one from any plane any plane which is passing through the central of the body then we are not getting the two equal half parts it means not getting two equal half parts this condition is asymmetrical condition asymmetrical condition found in periphery second one if the body is in the cylindrical shape and they are fixed with the ground surface and here the plane is passing through the any plane then we are getting two equal half parts means the symmetry is radial is present in Cilentrata and Tinophora. Here you can see the central axis passing through the central of the body, and there are so many planes, but we are not getting to equal half parts. Here, there are so many planes, we are getting two equal half parts. This shows the radial symmetrical condition, and this condition is asymmetrical condition. But through only single plane, this is the condition. Through single plane, we are getting two equal half lateral parts. Two equal half means बाई लेटल पार्ट्स दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल दिस कंडीशन इज बाई लेटल सिमेट्री विच फाउंड प्लेटी हेलमेंथीज टू कोडेटा बट आप यदि यहां से किसी प्लेन को क्रॉस करवाएंगे या यहां से किसी प्लेन से क्रॉस करवाएंगे तो आपको इक्वल हाफ पार्ट्स नहीं मिल पाएंगे नो नो ओनली दिस प्लेन बट हेयर यू कैन सी दिस प्लेन इक्वल हाफ पार्ट्स थ्रू दिस प्लेन इक्वल हाफ पार्ट्स थ्रू दिस प्लेन इक्वल हाफ पार्ट्स बट हेयर थ्रू दिस प्लेन नॉट इक्वल हाफ पार्ट्स क्लियर नेक्स्ट थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर व्हाट इज नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर बेसिस इज सेल्स आर अरेन्ज्ड इन द टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स और सेल्स आर अरेन्ज्ड इन थ्री एम्ब्रियोनिक लेयर एम्ब्रियोनिक जर्माइनल लेयर आई कैन से इफ सेल्स आर अरेज In cells are arranged in two embryonic germinal layer, it shows the diploblastic condition, and if cells are arranged in three embryonic germinal layers. then this condition is triploblastic here outermost ectoderm, middle one is mesoderm and innermost is endoderm. But two germinal layer ectoderm and endoderm present but there is a mesoglia and mesenchyme this is undifferentiated layer. बट लेयर कितनी है यहां पर टू यहां पर डिफ्रेंशिएटेड लेयर कितनी है यहां पर थ्री क्लियर डिप्लोब्लास्टिक पोरीफेरा सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमेंथीज टू कोडिट पोरीफेरा सिलेंटेटा एंड टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक एंड प्लेटी हेलमेंथीज से कोडेटा था ट्रिप्लोब्लास्टिक नेक्स्ट नेक्स्ट सिलोम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सिलोम इट मींस दिस इज बॉडी सरफेस दिस इज गट दिस इज सरफेस दिस इज सरफेस ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द बॉडी कैविटी और सिलोम तो आई कैन से दिस इज सिलोम और बॉडी कैविटी इफ दिस बॉडी कैविटी इज कंप्लीटली लाइंड बाय मिजोडम देन दिस कंडीशन लीड टू सिलोमेट कंडीशन दिस कैविटी इज कंप्लीट हेयर यू कैन से देर आर थ्री डायग्राम्स आर देयर इन थ्री डायग्राम्स में हम अलग अलग बेसिस को देखेंगे कि विच वन इज श्यूडो सिलोमेट कंडीशन विच वन इज सिलोमिट कंडीशन विच 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 वन इज एसिलोमेट कंडीशन दिस सिलोमेट कंडीशन मीन्स Body cavity is complete lined by body cavity lined by mesoderm. In pseudosilomate condition, it means body cavity is not completely lined by mesoderm. बट देर आर मीजोडरमल पाउच्स आर दे आर मींस मीजोडर्मल पाउच आर देर थर्ड कंडीशन बॉडी कैविटी अपसे बॉडी कैविटी अपसेंट क्लियर एसिलोमेट मीन्स इन बिटवीन बॉडी सरफेस एंड गट बॉडी कैविटी अप्सेंट तो मैं कह सकता हूं इस सिलोम के बेसिस पर दो अलग अलग पार्ट में हम क्लासीफाई करें वन इज एसिलोमिट अनदर वन इज एनिमल्स विच हैव द बॉडी कैविटी एंड बॉडी कैविटी के बेसिस पर फिर दो पार्ट स्यूडोसिलोमेट एंड ट्रूसिलोमेट

िस इज एक्टोडम दिस इज मिजोडर्मल पाउच इट मीन्स ये कंडीशन क्या है स्यूडोसिलोमेट इसे हम सीरीज की फॉर्म में यह लेबल करें यह कंडीशन ए है यह कंडीशन बी है और यह कंडीशन सी है तो स्यूडोसिलोमेट कंडीशन ये रिप्रेजेंट कर रही है ये इसका एग्जाम्पल है एसके के हेलमेंथीज एंड बी इसे रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी कैविटी अपसेंट देखो यहां पर ये आउटर क्या है बॉडी सरफेस और ये क्या है गट और इनके बीच में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है बॉडी कैविटी अपसेंट कहां पर है यहां पर तो मैं कह सकता हूं यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एसिलोमिट कंडीशन को इट मींस ये डायग्राम ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और एसिलोमिट कंडीशन इज प्लेटी हेलमेंथ मींस बॉडी कैविटी देखो यहां पर है ही नहीं और यहां पर यह बॉडी कैविटी प्रेजेंट है यहां पर आउटर साइड भी आप देखेंगे और इनर साइड भी देखेंगे तो यहां कंप्लीट लाइनिंग किसकी है मिजोडम की क्योंकि ये आउटर सरफेस क्या है एक्टो ये इनर सरफेस क्या है एंडो और ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ये किसकी है मिजोडम की दिस कैविटी इज कंप्लीटली लाइन बाई मीजोडम और कैविटी के आउटर साइड भी और इनर साइड इट मीन्स ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है सी को रिप्रेजेंट कर रही है एसिलोमेट कंडीशन दिस वन सीडोसिलोमेट कंडीशन दिस वन एंड सिलोमेट कंडीशन दिस वन सीडो कंडीशन जो है वो एस के एलमेंथीज में एसिलोमेट कंडीशन प्लेटी एलमेंथीज में है इसके अलावा एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा एंड कोडेटा इन सभी के अंदर ट्रू सिलोमेट कंडीशन प्रजेंट क्लियर नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज सेगमेंटेशन बॉडी एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस यदि इस तरीके से रिपीटेड मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड हो इन सेगमेंट्स को बोलते हैं हम मेटामियर बॉडी externally or internally divided into multiple repetitive segments known as metamere. isko bolte हैं true ya metameric segmentation. Segmentation present. और body में इस तरीके से division possible नहीं है body इस तरीके से इस कंडीशन को बोलते हैं अनसेगमेंटेड कंडीशन अनसेगमेंटेड कंडीशन फॉर एग्जाम्पल मोलस्का एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन फाउंड इन एनेलिड्स, कोडेटा एंड आर्थ्रोपोडा। क्लियर नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोटोकोड, दिस इज ए मिजोडर्मली डेराइव्ड Road like structure, which is found in some animals on the dorsal side of the body. Animals which have notocode means notocode present, and animals which do not have notocode means notocode absent on the basis of presence or absence of notochord animals further classified into two different categories. one is chordate another one is non chordate these are the main basis of classification both important factors are अब जितने भी हमने इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखे उन्हीं को एक समराइज टेबुलर फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं एनिमेलिया मीन्स मल्टीस्युलर मोर देन वन सेल्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी सेलुलर टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मोस्टली एसीमेट्रिकल कंडीशन और एसिलोमेट कंडीशन फाउंड इन पोरिफिर क्लियर है सेकेंड टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम कहां पर प्रेजेंट है फ्रॉम एस्के हेलमेंथीज टू कोडेटा ऑर्गन कहां पर प्रेजेंट है प्लेटी हेलमेंथीस टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है टा एंड टीनोफोर तो मैं कह सकता हूं दिस इज टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दिस बेसिस इज सिमेट्री फर्स्ट एसिमेट्रिकल कंडीशन सेकेंड रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशन थर्ड बायलेटरल। रेडियल सिमेट्री एंड एसिलोमेट कंडीशन मीन्स यहां पर सिलोम अपसेंट है हेयर एंड हेयर रेडियल सिमेट्री एंड परफॉर्मिंग टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल्स आर सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा बायलेटरल सिमेट्री एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल प्लेटी हेलमेंथीज कंडीशन सिलोम विदाउट बॉडी कैविटी बट दे हैव बॉडी कैविटी बट मीजो पाउच आर देयर इट मीन शूडू सिलोमेट कंडीशन एस के हेलमेन एंड विद ट्रू सिलोम सिलोमेट कंडीशन एनेलिडा आर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोडेटा एंड कोडेटा ट्रू सिलोमिट कंडीशन को भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं ट्रू सिलोमिट कंडीशन फर्दर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरी वन इज साइजोसिलोमिट एन अदर वन इज एंटेरोसिलोमिट कंडीशन साइजोसिलोमीट एनेलिडा आर्थोपोडा एंड एन मोलस्का एंटेरोसिलोमिट हेमिकोडेटा इकाइन टा एंड कोडेटा मीन ये फर्स्ट थ्री जो है दीज आर द साइज़ो एंड दीज थ्री आर एंड जितने भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने स्टडी किए यदि ये टेबल आपके सामने दिखाई दे जाए तो इजी वे से आप सभी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को इजी वे से रिवाइज कर सकते हैं यहां पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया सिमेट्री भी आ गया सिलोम भी आ गया और सभी के एग्जाम्पल भी पता लग गए पोरिफेरा टू कोडेटा मींस ये कोडेटा मेंबर हैं तो मैं कह सकता हूं इनके पास नोटोकोड प्रेजेंट होगी और इसके अलावा पोरिफेरा अपसेंट सिलेंट्रेटा अपसेंट टीनोफोरा अपसेंट टी एलमेंथीजेंट एसके अलमेंथीज एब्सेंट एनेलिडा आर्थोपोडा हेमिकोडेटा इन सभी के अंदर नोटोकोड अब्सेंट, केवल जिसमें है उसे क्या नाम दिया कोडेट, तो बाकी सभी पोरिफेरा टू हेमिकोडेटा मैं कह सकता हूं ऑल आर नॉन कोडेट्स। नेक्स्ट फाइलम पोरिफेरा इनके फीचर आपको पता होना चाहिए देखिए बेटा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल्स यदि देखें हम साइकोन है जिसे साइफा बोलते हैं स्पॉन्जिला है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है यू स्पोंजिया है बाथ स्पॉन्ज मींस दिस ए इज साइकोन बी इज यू स्पोंजिया एंड सी इज स्पॉन्जिला बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे सभी की तो आप जरा ये देखें सभी के ऊपर क्या है पोर सभी के ऊपर पोर मींस लार्जर पॉर एंड स्मॉलर मींस इसीलिए इसका नेम क्या रखा गया कोरिफेरा मींस पॉर बियरिंग एनिमल हैबिटेट फ्रेश वाटर बाथ स्पॉन्ज वाटर से रिलेटेड है इट मींस एक्वेटिक एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर बट मैराइन वाटर कंपेरेटिवली एनिमल्स मोर इन नंबर सिमेट्री दिस कंडीशन इज एज ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो यहां पर आप बॉडी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो लार्ज ओपनिंग है यहां से वाटर एग्जिट करता है और ये माइन्यूट ओपनिंग है यहां से वाटर एंटर करता है तो दीज आर द ऑस्टिया दिस वन इज ऑस्कुलम और बॉडी में इस तरीके से दिस वन इज ऑस्कुलम दीज आर द तो आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस, यहां पर इन बिटवीन आउटर एंड इनर देर इज मिजिन काइम आउटर लेर नॉन एज एक्टो इनर लेयर नॉन एज एंडो एक्टो और एंडो को यहां पर स्पेसिफिक वर्ड दिया गया वन इज कोडम अनादर वन इज पिनेकोडम दिस वन इज पिनेकोडम दिस वन इज कोडम कोइनोडम नेम क्यों दिया गया स्पेसिफिक फ्लेजिलेटेड सेल्स यहां पर प्रेजेंट है जिन्हें हम बोलते हैं कोयनोसाइट्स पर आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां पर वाटर माइन्यूट ओपनिंग से एंटर कर रहा है और ऑस्कुलम से एग्जिट करेगा तो इस मीन्स यहां पर बॉडी फॉर्म में स्पेसिफिक फीचर की फॉर्म में यहां पर क्या है कैनाल सिस्टम और इस कैनाल सिस्टम का फंक्शन है वाटर इंटेक करना फूड गैदरिंग करना वेस्ट मटेरियल को एलिमिनेट करना एंड गैसियस एक्सचेंज फूड गैदरिंग गैसियस एक्सचेंज एंड वेस्ट एलिमिनेशन परफॉर्म बाई कैनाल सिस्टम डायजेसन इंट्रा सेलुलर टाइप रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल बॉथ मॉड इज एप्लीकेबल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल बाय द फ्यूजन ऑफ द क्लियर एंड कॉमनली नोन एज स्पोन्जेस क्लियर है बेटा हैबिटेट क्लियर सिमेट्री ऑर्गेनाइजेशन बॉडी स्ट्रक्चर स्पेसिफिक फीचर डाइजेशन रिप्रोडक्शन एंड द एक्सम्पल नेक्स्ट है टेड की हैबिटेड क्या है यहां पर भी दीज आर द एक्वेटिक एक्वेटिक में भी मैराइन वाटर एनिमल फ्रेश वाटर एनिमल के कंपैरिजन में ज्यादा। ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री रेडियल जर्मिनल लेयर ओनली टू एक्टोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस एंड दे हैव स्पेसिफिक कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी स्पॉन्जेस के अंदर यदि मैं बात करूं पोरिफेरा के मेंबर के अंदर स्पेसिफिक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं स्पॉन्जोशील कैिटी या पैरा गैस्ट्रिक कैिटी बट यहां पर जो कैिटी प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बॉडी फॉर्म यहां पर बॉडी फॉर्म इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में भी एग्जिस्ट कर सकती है और अम्ब्रेला शेप में भी आप देख पा रहे हैं यहां पर सिलेंड्रिकल शेप में भी और इस फॉर्म को बोलते हैं मेड्यूसल और इस फॉर्म को बोलते हैं पॉलिप, पॉलिप एक मोटाइल फॉर्म है मेड्यूसा सॉरी पॉलिप ये स्टैटिक फॉर्म है एंड मेडुसा मोटाइल फॉर्म यह मोटाइल फॉर्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पोलिप फॉर्म जनरेट करती है पोलिप एज सेक्सुअली मेडुसा फॉर्म जनरेट करती है इट मीन्स यहां पर स्पेसिफिक फीचर के फॉर्म में अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन या इसी को बोलते हैं मेटा जेनेसिस फाइलम सिलिंडिटा ऑल्सो नोन एज निडेरिया ड्यू टू प्रजेंस ऑफ नीडो ब्लास्ट सेल्स दीज आर दीडो ब्लास्ट सेल्स इट कैन बी डिफरेंट टाइप्स और इन नीडोब्लास्ट सेल्स में आपने ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं नीडोब्लास्ट कैप्सूल प्रे को कैप्चर करने में प्रे को पैरालिस करने में फूड को कैप्चर करने में इस नीडोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी फॉर्म डिप्लोब्लास्टिक है मींस ओनली टू लेयर एक्टो और एंडो एक्टो एंड एंडो के बीच में जो लेयर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजो गिलियर डाइजेशन Intracellular as well as extracellular reproduction, sexual and asexual, both asexual mode of reproduction by the budding and sexual by the formation of gametes or fusion of gametes. For example, Physalia, commonly known as. पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वार, एडम्सिया सी एनिमोन पेनेटुला सी पेन गोरगोनिया सी फैन एंड मेन्ड्रीना ब्रेन क्लियर? नेक्स्ट। फाइलम टीनोफोरा टीनोफोरा मेंबर आल्सो नॉन है सी वालनट एंड कॉम जेलिस वॉलट अखरोट की तरह दिखाई देते हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैराइन ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमेट्री रेडियल सिमेट्री बॉडी फॉर्म बॉडी फॉर्म यहां पर डिप्लोब्लास्टिक Digestion extracellular as well as intracellular. Specific feature bioluminescence and reproduction only by sexual means. एग्जाम्पल प्लूरोब्रेंकिया है टीनोप्लेना है बीरोई है जिसे फ्लोटिंग आईज ऑफ कैट बोलते हैं। इनकी बॉडी में इस तरीके से टेंटाकल्स प्रेजेंट है कुछ मेंबर्स के अंदर अब्सेंट होते हैं इस बेसिस पर इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है टेंटाकुलेटा एंड न्यूडा यहां पर स्पेसिफिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होती है दिस आर स्पेसिफिक फॉर लोकोमोशन सो दैट ऑल्सो नोन एज कॉम जेलिज यदि हम बात करें सिलेंट्रेटा की और टीनोफोरा की तो सिलेंट्रेटा के मेंबर को जेलीफिशिज के नेम से जानते हैं बट तो यहां पर कॉम जेलीज के नेम से जानते क्लियर प्लेटी एलमेंथिस फ्लैट मींस फ्रॉम डोर्सल एंड वेंटल साइड फ्रॉम डोर्सल एंड वेंटल साइड आई कैन से डोर्सलो वेंटली फ्लैट बॉडी की वजह से इन्हें फ्लैट बोलते हैं। हैबिटेट सिमेट्री जर्मिनल लेयर सिलोम ऑर्गेनाइजेशन पैरासिटिक एडेप्टेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं आप धीरे धीरे जो फीचर्स है उनका नंबर इंक्रीज करता जा रहा है एग्जाम्पल टीनिया दिस वन इज टीनिया फैस्यूला दिस वन इज फैस्यूला हैबिटेट के बेसिस पर यदि देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेटी हेलमेंथीज मेंबर्स आर द एंडोपैरासाइट ऑफ एनिमल्स दीज आर दैरासाइट ऑफ एनिमल्स मोस्टली मैं बात कर रहा हूं यहां सिमेट्री बाइलेटल बाइलेटल सिमेट्री फर्स्ट टाइम अपियर इन दिस फाइलम जर्मिनल लेयर थ्री इट मीन्स ट्रिपलो ब्लास्टिक सिलोम ए सिलोमिट कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन टाइप पैरासिटिक एडेप्टेशन परजेंट ऑफ हुक, सकर्स एंड थिक इंटेगुमेंट excretion and osmoregulation by the specific cells known as flame cells or solenocytes reproduction reproduction sexual mode of reproduction can be seen and development is through many larval form development through many larval form इट मीन्स डेवलपमेंट इनडायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल लिवर फ्लूक या फेस्यूला इसकी लार्वल स्टेजेस के यदि नेम हम रिकॉल करें तो मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया एंड मेटा सर्केरिया तो डेवलपमेंट थ्रू सो मेनी लार्वल स्टेजेस इट मीन्स द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट नेक्स्ट एसके हेलमेंथीज प्लेटी हेलमेंथीज और एसके हेलमेंथीज का कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं प्लेटी हेलमेंथीज में बॉडी डोर्सल वेंट्रल साइड से फ्लैट है बट यहां पर यदि क्रॉस सेक्शन में देखा जाए इन ए क्रॉस सेक्शन इन ए क्रॉस सेक्शन बॉडी सर्कुलर सो दैट नोन एज राउंड हैबिटेट They are parasite, free living, but parasitic can be in the form of animal as well as plants. Organization level of organization is organ system. Organ system level of organization, first time seen in एसके एलमेंथीज बट प्लेटी एलमेंथीज में ओनली ऑर्गन टाइप सिमेट्री बायोलेटल सिमेट्री जर्मिनल लेयर थ्री इट मींस ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोम स्यूडोसिलोमिट एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन थ्रू एक्सक्यूट्री पोर और एक्सक्यूटिव पोर एथ सेप पे होता है एथ सेप सेल ऑल्सो नोन एज रिनेट सेल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल

डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स एक्सम्पल ऑफ एसकेरिसउंड फाइलेरियल वर्म एंड एनकाइलोस्टोमा हुआ लोअर आई वर्म नेक्स्ट फाइलम एनेलिडा एनेलिडा मीन्स एने एने मीन्स एनुलाई रिंग्स या सेगमेंटेड बॉडी मीन्स सेगमेंटल वर्म्स सेगमेंटेड बॉडी इट मीन दीज ऑल सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामियर हैबिटेट फ्री लिविंग एक्वेटिक एंड पैरासीिटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम सिमेट्री बाइलेट्रल सेगमेंटेशन प्रजेंट मींस मेटामेरिक सेगमेंटेशन सिलोम

Sita found in the earthworm and parapodia found in Nerys. And with the help of circular muscles and longitudinal muscles, locomotion performed. Circulation generally closed type, excretion and osmoregulation by the nephridia. Neural system found in the form of double ventral nerve cord and interconnected by the lateral nerve. Reproduction, sexual mode of reproduction found. Example, Neriz, Ferretima, Arthom, and hirudinaria, blood sucking leech. यदि मैं हिरुडिन एरिया की बात करूं और हिरुडिन एरिया के अलावा अर्थोम की मैं बात करूं तो बोथ आर मोनोसियस बट नरिज डायसियस मीन्स मैं कह सकता हूं फेरेटेमा और हिरुडिन एरिया जो है जिनमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे बट नैरिज में सेपरेट और ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन दिस नेरीज इज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट रीजन वन इज एटोकी रीजन अन अदर वन इज एपी टोकी रीजन क्लियर नेक्स्ट अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं ये नॉन कोडिट का हाफ पार्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए तो जनरली आप पिछले पांच सात साल में यदि देखेंगे तो हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ए आई पी एम टी टू थाउजेंड फोर्टीन में क्या क्वेश्चन पूछा गया प्लेन एरिया हाई कैपेसिटी प्लेन एरिया इज ए मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंथीज एंड इन द प्लेटी हेलमेंथीज मोड ऑफ रिपोडक्शन कैन बी सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल बट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिपोडक्शन इज रिजेंडेशन थ्रू रिजेंडेशन तो प्लेन एरिया या इसी का नेम है डूगेसिया इज ए मेंबर ऑफ प्लेटी हेलमेंट इज सेकेंड सेलेक्ट द

सी एनिमोन सी एनिमोन एडमसिया इसका कॉमन नेम है बट यहां पर मिंड्री ना दे रखा है रॉन्ग हो गया सी फैन गोरगोनिया ये करेक्ट है और पोर्तुगेज मैन ऑफ वार ये फाइसेलिया का नेम है इसलिए रोंग हो गया क्लियर तो करेक्ट आंसर इज थ्री केस ऑफ पॉफेरन द स्पॉन्जोशील कैविटी इज लाइन बाय द फ्लेजिलेटेड सेल्स स्पोंजोशील कैविटी अभी हमने डिस्कस किया स्पॉजोशील कैविटी फाउंड इन स्पॉन्जेस और द स्पेसिफिक फ्लेजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेज इज कोइनोसाइट। फॉर ऑप्शन भी देखते हैं क्या क्या है ऑस्कुला वाटर एग्जिट के लिए पॉइंट है ऑस्टिया वाटर एंट्री के लिए पॉइंट है मीजियन काइमल सेल मीजियन काइनल सेल इज ए मल्टी डिफ्रेंशिएटेड सेल इट मींस ऑस्कुला मीजियन काइमल सेल एंड ऑस्टिया ये कोई भी फ्लैजिलेटेड पार्ट नहीं है फ्लैजिलेटेड पार्ट कौन सा इसका कोइनोसाइट्स इसीलिए इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्पॉन्जोशील कैविटी इज नोन एज क्वनोडम करेक्ट आंसर इज सेकेंड नेक्स्ट कंसिडर फॉलोइंग फीचर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट मीनस किसकी बात कर रहा होगा बात कर रहा होगा एस के हेलमेंथीज से कोडेटा तक की बाइलेटल सिमिट्री इसका मतलब यहां पर भी किसकी बात कर रहा होगा एस के हेलमेंथीज से कोडेटा तक बट इसके अलावा प्लेटी हेलमेंथीज में भी बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है मीन्स यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एस के हेलमेंथी सिकोडेटा से सेकेंड ऑप्शन की यदि बात करें तो प्लेटी हेलमेंथीज टू कोडेटा एंड थर्ड ट्रू सिलोमिट विद सेगमेंटेशन बॉडी इट मीनस अब ट्रू सेगमेंट की बात कर रहा है ट्रू सिलोम की बात कर रहा है और ट्रू सेगमेंट और ट्रू सिलोम दोनों कहां प्रेजेंट होंगे एसके एलमेंथीज में स्यूडोसिलोमिट कंडीशन प्लेटी एलमेंथीज में एसिलोमिट कंडीशन इट मीन प्लेटी एलमेंथीज और एसके एलमेंथीज वाला ऑप्शन रोंग हो गया ट्रू सेगमेंटेशन कहां पर प्रेजेंट है एनेलिडा आर्थोपोडा एंड कोडेटा ये कंडीशन हमें मैच करवानी मोलस्का अनसेगमेंटेड बॉडी मोलस का अग्न बॉडी मोलस का अनसेगमेंटेड मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा एनेलिडा आर्थोपोडा एंड कोडेटा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बायोलेट्रल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट कंडीशन दिस इज बायलेट्रल सिमेट्री एंड एसिलोमिट कंडीशन मीन्स बॉडी कैविटी अब्सेंट, बॉडी कैविटी अब्सेंट। प्रजेंट होगी तो हम क्या बोलेंगे ट्रू सिलोमेट कंडीशन और बॉडी कैविटी अपसेंट होगी तो उसको क्या बोलेंगे एसिलोमेट कंडीशन बॉडी कैविटी एनेलिडा में प्रेजेंट है ट्रू सिलोमेट कंडीशन है इट मीनस ये तो रॉन्ग हो गया बायोलेट्रल सिमेट्री तो एस, एस के अल्मेंथीज सिलोमेट कंडीशन एसके एलमेंथीज में सूडोसिलोमिट कंडीशन है ये भी रॉन्ग हो गया टीनोफोरा एसिलोमेट कंडीशन है बट यहां पर बायोलेटरल सिमेट्री नहीं है यार रेडियल सिमेट्री है ये भी रोंग हो गया करेक्ट आंसर क्या होगा फोर क्लियर है बेटा तो अभी तक मैंने आपको सी के एक नई सीरीज में जो मैंने आपको डिस्कस किया वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और पॉरिफेरा से एनेलिडा तक डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एनेलिडा से आगे के सभी फाइलम्स के बारे में तो आई होप और आशा करता हूं कि आप सभी को ये सीएलसी का एक यूनिक आइडिया और जो क्रिएटिव आइडियाज के लिए सीएलसी जानी जाती है वो आपको पसंद आया होगा ऑल दी बेस्ट और टीम सीएलसी एल कंटिन्यूसली आपके लिए मेहनत कर रही है आप भी लगातार इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो हंड्रेड परसेंट आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट